कार्यक्रम में सभी को मैं स्वागत करता हूं। हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि प्रोफेसर अनिल जी सासबुद्धे, जो कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के चेयरमैन हैं, उनका अपना बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहता है, उसके बाद भी उन्होंने समय निकाल करके और इस आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने स्वीकृति दी। मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे साथ प्रोफेसर रजनीश अरोड़ा जी हैं, जो कि चेयरमैन है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर इंडक्शन प्रोग्राम AICTE के, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर रहे हैं, और मुझे उनके साथ उन्हें सुनने का और समझने का अवसर मिला है। मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे लिए यह भी एक सौभाग्य का विषय है कि पूर्व से ही मध्य प्रदेश में जो कार्य चल रहा है, डॉक्टर सुनील कुमार जो कि माननीय कुलपति हैं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के, जिसके अंतर्गत सारे ही कॉलेजेस चल रहे हैं, वो भी हमारे बीच गेस्ट भी हार्दिक स्वागत। अखिलेश बदल साहब हैं, जो कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी आपकी जानकारी में होगा कि मध्य प्रदेश ने एक आध्यात्म विभाग बनाया है, जिसके अंतर्गत कि सब लोग कैसे सुखी समृद्ध हो सकें, उसको लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। और राजयान संस्थान के द्वारा AICTE के साथ पूर्व से ही टाई अप किया गया है और बहुत सारी वर्कशॉप कंडक्ट की गई हैं, और उसके कारण ही हमें भी ऐसा सौभाग्य मिला कि हम लोग इस कार्य से जुड़ सकें। मैं आदरणीय राजीव अस्थाना जी का भी स्वागत। धीरेन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हमारे साथ प्रोफेसर सविता बजाज जी हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। इस ISC की फैकल्टी और हमारे जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट टीचर्स हैं, आप सबका मैं बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नई शिक्षा नीति, या जिसको हम शिक्षा नीति 2020 कहते हैं, उसके अंतर्गत हम जानते हैं कि जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को बहुत, उसके बारे में काफी कुछ कहा गया है, और कोई नया नहीं कहा गया है। राधाकृष्ण आयोग को यदि देखें, मुदलियार आयोग को देखें, DS कोठारी जी के अंतर्गत जो आयोग बना था, और जिसकी 1986 की, और बाद में जो 1986 की जो शिक्षा नीति आई, जो प्लान ऑफ एक्शन के रूप में 1992 में आई, और अब जो 2020 की नीति है, तो जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है उसकी बात तो लगातार सभी जितनी भी समितियां आयोग आए हैं उन्होंने की ही है, और उसको लेके कुछ काम भी बहुत कुछ हुए हैं, परंतु बहुत सब्सटेंशियल रूप में जो समस्याएं दिखाई पड़ती हैं वो स्कूली शिक्षा के यदि स्तर पर देखा जाए, तो ये समस्या आई है कि हमारे पास किसी प्रकार का एक कोई बहुत ठीक प्रकार से आधारभूत ढांचा इस प्रकार का नहीं था, किसी प्रकार का सिलेबस या करिकुलम नहीं था कि हम किस प्रकार से, हम जो शिक्षा है, नैतिक शिक्षा है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है, कई नाम से हम उसको जानते हैं, उसको हम लोग काम कर सकें। YB चौहान समिति ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी पार्लियामेंट में, उसमें भी इस पर काफी जोर दिया गया था कि स्कूली शिक्षा स्तर पर भी काम किया जाए, परंतु लगभग यदि देखा जाए तो हम कुछ नीति पर निर्धारित जो कहानियां हमारे यहाँ रही हैं, या कुछ जो वाक्य रहे हैं उनको स्कूलों में हम बताते रहे हैं, परंतु जैसा मैंने पहले ही निवेदन किया कि कोई स्टेब्लिश सिलेबस नहीं था। इस दृष्टि से हमारे लिए जो सबसे बड़ी एक प्रसन्नता की बात है कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE ने उसके लिए एक पाठ्यक्रम तैयार किया, और राजानंद संस्थान के माध्यम से मैं भी उससे इंट्रोड्यूस हुआ, और मैंने कुछ वर्कशॉप्स अटेंड करने की मुझे अनुमति मिली और मैंने भी उसको अटेंड किया, और उसके बाद ये समझ में आया कि बहुत अधिक आवश्यकता तो उसके साथ स्कूली शिक्षा में भी है। इंजीनियरिंग कॉलेज के जब स्टूडेंट्स जब जुड़ते हैं, तो मैंने कुछ को ने ऐसा कहा कि ये तो हमारे स्कूल में ही हो जाना चाहिए था, काफी लेट हो गए, अब जाकर के हमको इस प्रकार की एक बात आ पा रही है। तो बात ऐसी ध्यान में आई थी कि क्यों ना जो है हम लोग उसको स्कूली शिक्षा स्तर पर शुरू करें, और अभी कुछ लगभग 10 दिवस पूर्व आदरणीय श्री गणेश बागड़िया जी का हमारे यहाँ आना हुआ, और राजानंद संस्थान का एक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने उद्बोधन दिया। उसके बाद हमारे यहाँ के प्रमुख सचिव हैं श्रीमती रश्मि अरुण शमी, उनसे उनकी भेंट हुई और इस बात का एक तय हुआ कि स्कूली शिक्षा में इसको जल्दी से जल्दी प्रारंभ किया जाए, और मैं आभारी हूँ AICTE का कि उन्होंने इसके लिए अपनी सहमति दी और स्वीकृति दी, और आज हम बहुत जल्दी ही इस कार्यक्रम को हम लोग प्रारंभ कर पा रहे हैं, तो मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ जो अभी मोटा मोटी जो दिखाई पड़ता है समस्याएं, कि
स्कूली शिक्षा लेवल पर यदि देखें, और हम लोग तो पब्लिक एजुकेशन में डील कर रहे हैं, तो लगभग 30 साल का मेरा भी अनुभव हो गया, तो दिखाई पड़ता है कि शिक्षक भी स्कूल में जाने में कतराते हैं, शिक्षार्थी भी स्कूल में जाने में कतराते हैं, दोनों कोई बहुत प्रसन्नता के साथ नहीं जाते। तो समस्या कहाँ पर आ गई है? शिक्षक के साथ समस्या है या शिक्षार्थी के साथ समस्या है, या समस्या कहीं और है? तो एक तो ये दिखाई पड़ता है कि जो कुछ भी हम इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज एंड एजुकेशन में जो लोग यहाँ पर अध्ययनरत हैं, उनसे उनको ही एक बार मैं संबोधित कर रहा हूँ कि जिस प्रकार की समस्याएं जाती हैं, तो बहुत सारे समस्या तो स्कूलों को खोले रखने में, शिक्षकों को स्कूल पहुंचाने में, स्कूलों और स्कूलों को चलाने में लग जाती है, या समस्या कहीं और है। तो एक तो ये दिखाई पड़ता है कि जो जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाने में जो कुछ बच्चे को दिखाई मिल जाना चाहिए, शिक्षार्थी को मिल जाना चाहिए, शिक्षक को मिल जाना चाहिए, तो मिलता नहीं है। हम लोगों ने अपनी जो कुछ भी पढ़ाई की है, हम अपने आप से यदि पलट के पूछते हैं कि जो कुछ चाहते थे वो मिल गया क्या, तो दिखाई पड़ता है कि हाँ, पढ़ लिख तो बहुत गए, अलग अलग पोजिशन पे पहुंच गए, बड़े बिजनेसमैन भी बने, बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी बने, हर जगह पर गए, परंतु कहीं कुछ खो रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ मिसिंग है। वो जो तृप्ति मिलनी चाहिए थी, वो तृप्ति नहीं मिल पाई। तो वो तृप्ति का बिंदु क्या है, वो क्या कुछ खो रहे हैं हम शिक्षा में, उस पर ये करने की बात है। बच्चे को यदि हम देखते हैं, तो यदि प्राथमिक स्तर पे हम बच्चे को देखते हैं, तो मुख्यतः जो है वो एक प्रकार से पहले तो आज्ञा पालन में ही रहता है, अनुकरण करता है, उसके बाद अनुसरण करता है। तो अनुकरण करता है तो उस समय वो किसी और से, जो अपने माता को पिता को देख रहा होता है, उनसे वो कुछ सीख रहा होता है, जो वे कैसा कर रहे होते हैं उनको मान लेता है। जब अनुकरण कर रहा होता है तो उसको लगता है कुछ अपनी भी वो उसमें समझ को लगाता है, कुछ ऐसी कोशिश करता है कि वो क्या देख रहा है। यदि माता पिता के आचरण में, शिक्षक के आचरण में कुछ बीच में उसको गैप दिखाई पड़ता है, तो वो उसके बारे में थोड़ा सोचता है, अपने भी एक्सपेरिमेंट करता है, और उसके बाद फिर वो अनुशासन में जाता है। तो लगभग प्राइमरी मिडिल लेवल पर तो हम लोग देखते हैं कि ये जो आज्ञा पालन है, अनुकरण है, अनुसरण है, और अनुशासन में रखते हैं। परंतु यदि ये गैप दिखते हैं, शिक्षक में गैप दिखते हैं, परिवार में गैप दिखते हैं, उसको जो बताने वाले हैं उनमें जो गैप दिखते हैं, तो धीरे धीरे जो अनुशासन से उसको स्वानुशासन में जाना चाहिए, वहां पर कहीं गैप हो जाता है। बच्चे को हम शायद चर्चा नहीं करते, संवाद नहीं करते, उपदेश ज्यादा होता है, और जब उपदेश ज्यादा होता है तो कहीं पर पहले किसी स्तर तक तो विरोध चलता है, घर पर विरोध चलता है, और बाद में कहीं ना कहीं विद्रोह में वो कन्वर्ट हो जाता है, और कभी कॉलेज लेवल तक जाते जाते वो विद्रोह की स्थिति में ही आ जाता है। तो इस दृष्टि से एक निश्चित मानवीय आचरण क्या हो, इसकी एक तलाश जो है शिक्षा में हमेशा रही है। और हमारा तो जो देश है, प्रोफेसर डीएस कोठारी ने कहा था कि हमारे यहाँ कोई और बड़ी समस्या नहीं है, जो बड़ी समस्या है वो यही है कि जो हमारा जो एक्सिस है, तो वो जो सेंटर ऑफ बैलेंस है, वो कहीं पश्चिम की ओर चला गया है। और जो शिक्षा नीति 2020 है, उसने भारत केंद्रित शिक्षा को लेके काफी कुछ कहा है। हमारे यहाँ की जो शिक्षा है, हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, हमारे यहाँ के जो संस्कार है, उसको लेकर के कहा है। और उसका मतलब ये नहीं है कि जो कुछ भी बाहर से आ रहा है, जो अच्छा आ रहा है, उसको हम ना लें, परंतु हमारे भी जो जो कुछ भी शिक्षा में, संस्कार में, हमारी जो एक बहुत पुरानी जो हमारी पूरी परंपराएं हैं, उनसे हम ना सीखें। तो इस दृष्टि से जो पूरा एक AICTE का जो सिलेबस है, उसमें हमको ये समझ में आया कि उससे बहुत कुछ हम लोग ले सकते हैं, और इसलिए हमने इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज से मैंने निवेदन किया, उस अनुरोध को AICTE ने स्वीकार किया। और हम लोग लगभग 300 यहाँ पर टीचर्स हैं, जो फैकल्टी और टीचर्स, जो कि एक टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, मध्य प्रदेश में 2 हैं, हर राज्य में लगभग छोटे राज्यों में 1 और बड़े राज्यों में 2 हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड है। तो इसके बाद हमारे लिए जो एक बार हमारी जब समझ बन जाती है कि शिक्षा के कंटेंट में क्या कुछ हमको करना है, तो कुछ हमको फिर उसके बाद काम करने पड़ेंगे। हमको ये देखना पड़ेगा कि प्राइमरी लेवल का किस प्रकार का सिलेबस होना चाहिए, मिडिल लेवल का किस प्रकार से सिलेबस होना चाहिए, और सेकेंडरी लेवल का किस प्रकार से सिलेबस होना चाहिए। उस सिलेबस, उसकी पेडागोजी क्या होगी, विषय वस्तु क्या होगी, उसका मोड ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होगा, जो प्राइमरी में होगा वो मिडिल में नहीं होगा, जो मिडिल में होगा वो सेकेंडरी में नहीं होगा। तो एक चैलेंजेस को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। ISE की फैकल्टी की बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, और बहुत अच्छे लोग हैं, जो कि पिछले करीब 25-30 साल से जो कि टीचर एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं। तो हम लोग ये भी समझते हैं कि प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन के पाठ्यक्रम को बनाने के लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। और मैं प्रोफेसर सैयद बुद्धे सर से और रजनीश अरोड़ा सर से ये भी निवेदन करूंगा कि उसमें जो कुछ भी AICTE की टीम जो हमको मदद कर सकती है, और प्रोफेसर सुनील कुमार सर तो
हमारे बीच में मध्य प्रदेश में ही है, वो माननीय कुलपति हैं, तो और वहाँ पर पहले से ही मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटीज में टेक्निकल कॉलेजेस में वो काम चल रहा है, तो उनका किस प्रकार से हमको सपोर्ट मिल सकता है, तो वो सपोर्ट हमको मिलता रहेगा तो निश्चित ही मध्य प्रदेश की जो शिक्षा है, स्कूली शिक्षा है, उस पर हम लोग कुछ काम अच्छे से कर पाएंगे, ऐसी अपेक्षा है। मैं एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस एक मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो आईएससी की टीम है 5 दिन में जो कुछ भी हमको प्रसाद के रूप में प्राप्त होगा उसको प्रतिसाद के रूप में हम लोग उसमें काम करेंगे बेहतर, और आने वाले 2-3-4 महीने में हम लोग प्रयास करेंगे कि हम एक अच्छे सिलेबस के साथ, एक अच्छे पाठ्यक्रम के साथ, एक अच्छी पेडागॉजी के साथ प्रस्तुत हो सकें, और मध्य प्रदेश में जो स्कूली शिक्षा का जो स्तर है उसमें किस प्रकार से यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, उस पर काम कर सकें। एक बार मैं पुनः जो हमारे डिग्निटीज हैं, प्रोफेसर सैयद बुद्धे जी, प्रोफेसर रजनीश अरोड़ा जी, माननीय सुनील कुमार सर और अखिलेश अर्गल सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सविता जी हमारे साथ हैं, उनकी टीम साथ में, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम सर।